गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवन सेमेस्टर एग्जाम्स के रिजल्ट के बारे में। बीसीए क्लासेस, बीसीए सेकंड सेमेस्टर, बीसीए फोर्थ सेमेस्टर और बीसीए सिक्स सेमेस्टर के बारे में डिटेल में। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, जेएनयू इवन सेमेस्टर एग्जाम्स कम्प्लीट हो गए हैं और आप सबकी आंसर शीट्स भी चेक हो गई हैं और अब आप सबका रिजल्ट तैयार किया जा रहा है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल बीसीए क्लासेस का रिजल्ट कैसा रहा है। तो जो ओवरऑल रिजल्ट रहा है वो है 78%, मतलब कि 78% स्टूडेंट्स क्लियर पास हैं इस बार और 22% स्टूडेंट्स की सप्ली आई है बीसीए सेकंड सेमेस्टर, बीसीए फोर्थ सेमेस्टर और बीसीए सिक्स सेमेस्टर में। और आप बात करते हैं सबसे ज़्यादा सप्ली कौन से सेमेस्टर में आई हैं, तो सबसे ज़्यादा सप्ली बीसीए सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स की आई है और फिर बीसीए सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट्स की आई है और सबसे कम सप्ली बीसीए फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स की आई है। तो इस बार ज़्यादा रिपेयर आई हैं स्टूडेंट्स की एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और आप बात करते हैं सप्ली के बारे में डिटेल में, तो टोटल 22% स्टूडेंट्स की सप्ली आई है, जिसमें से 18% स्टूडेंट्स की बस एक ही सब्जेक्ट में सप्ली आई है और 2% स्टूडेंट्स की कम से कम दो सब्जेक्ट्स में सप्ली आई हैं और 2% स्टूडेंट्स की तीन या फिर तीन से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में सप्ली आई हैं। और आप बात करते हैं मेरिट लिस्ट के बारे में, तो मेरिट लिस्ट में जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स ही हैं। और आप बात करते हैं कि बीसीए सेकंड सेमेस्टर, बीसीए फोर्थ सेमेस्टर और बीसीए सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट्स का रिजल्ट कब पब्लिश होगा, तो जो अभी अभी न्यू अपडेट आ रही है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से वो ये है कि सबसे पहले बीसीए सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश होगा, उसके बाद बीसीए फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश होगा और फिर बीसीए सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश होगा। और कौन सी डेट पर पब्लिश होगा ये अपडेट अभी नहीं आई है, क्योंकि अभी आप सबका रिजल्ट तैयार किया जा रहा है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में। तो जैसे ही एक्यूरेट डेट्स आती हैं हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू।